सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का काम है। किस पर निर्भर होगी फिल्म? क्या ऋतिक करेंगे स्मोकिंग? अब बात करें ऋतिक रोशन की, तो इसमें कोई शक नहीं कि ऋतिक बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम हंक में से एक है। उनका स्टाइल हर बार कुछ हटके होता है, जिसके फैंस दीवाने हैं। भाई, जिस बंदे को वैलेंटाइंस डे पर 30K प्रपोजल्स आते हो, वो कितना स्मार्ट और हैंडसम होगा ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं हम। और सिर्फ उनका हैंडसम होना और टैलेंट ही उन्हें इतना खास नहीं बनाता, बल्कि ऋतिक रोशन उनके मूवीज में जितना भी स्टंट्स होते हैं ना, वो उन सबको खुद ही करने की कोशिश करते हैं। और जितना हो सके उतना कम से कम डमी पर्सन यूज हो, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टंट्स ऋतिक रोशन खुद कर पाए, वो उनकी कोशिश रहती है। बात करें उनकी फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की, तो उस फिल्म में जितने भी स्टंट्स थे वो सभी ऋतिक रोशन ने खुद ही किए थे। कई बार ऋतिक खुद स्टंट करते समय घायल भी हुए हैं, लेकिन चोट लगने के बाद भी वो बिना डरे या बिना अपनी जान की परवाह किए स्टंट्स खुद ही करते रहे। अब आपको बैंग बैंग मूवी का वो स्टंट तो याद ही है ना, जब कटरीना और ऋतिक एक आइलैंड पर होते हैं और वहाँ उन्हें जफर के आदमी पकड़ने आते हैं, तो वो समंदर में से भाग निकलते हैं और पानी से बाहर निकल ऋतिक बीच बीच में फायरिंग करते हैं दुश्मनों पर। वो सारे स्टंट्स भी उन्होंने खुद ही किए थे और उन्हें लग गई थी चोट, लेकिन पूरा शूट खत्म करने के बाद ही उन्होंने रेस्ट किया। भाई, ये बात ऋतिक को और भी फेवरेट बना देती है। जैसा कि हमें पता है, ऋतिक माउंटेन डियो के ब्रांड एम्बेसडर है, तो जब एडवर्टाइजमेंट में वो कहते हैं डर के आगे जीत है, तब सच में लगता है कि वो सिर्फ एड के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये सच है। उनके लाइफ को यही डायलॉग शूट करता है। अब बात करें फिल्म की स्टोरी लाइन की, तो जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया कि फिल्म की कहानी 2019 के पुलवामा अटैक पर बेस हो सकती है, क्योंकि मानो फिल्म की स्टोरी लाइन की अनाउंसमेंट नहीं हुई है अभी तक, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि ऋतिक पायलट या फिर एयरफोर्स के कमांडर हो सकती है, जिससे कि उनकी कहानी 2019 का केस द रिटर्न्स ऑफ अभिनंदन वर्तमान पर हो सकती है। अब अगर ये कहानी की स्टोरी लाइन रही, तो कहानी कुछ इस तरह से हो सकती है। और हाँ, मेरी थ्योरी शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूं कि हमारे फिल्म की हीरोइन दीपिका पादुकोण है, और इन दोनों को अभी तक साथ में कास्ट नहीं किया गया है, जिसके चलते फैंस में और भी बस देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। कहानी की शुरुआत होगी जब ऋतिक रोशन 8-9 साल के होंगे। उन्हें बचपन से ही प्लेन्स का बहुत शौक होता है, जिसके चलते उनके पास कई सारे खिलौने भी देखने को मिलते हैं। ऋतिक के माता पिता भी उन्हें सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं। जब ऋतिक बड़े हो जाते हैं, तब उन्हें कॉलेज में लड़की पसंद आती है, जो कि ऑब्वियस ही बातें होना ही है, जो कि हमारी दीपिका होती है। ऋतिक एक दिन उसे प्रपोज करने चाहते हैं। क्या दीपिका ऋतिक का प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगी? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए दोस्तों। और हाँ, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसी ही चटपटी खबरें सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ के साथ।